यह है बमदिला का मार्केट। सुबह सुबह आप देख सकते हैं खुल गया है बमदिला का मार्केट। जितना लोकल कुछ कुछ लेना है यहाँ से ले सकते हैं। देख सकते हैं आप जो भैया कल जो आपसे हम 2 मीटर पान खाया था ना, पैसा देने हम भूल गया, याद है? हाँ लीजिए। दादा भूल गया। हाँ हम जान बुझ के नहीं किया, हम देखा तो आदमी है नहीं। हाँ चलो सर, भला तो हो, भला होगा। थैंक यू भाई। हाँ कर अपने पाना है, हम कल वहाँ कुत्ते में पहुँच के याद किया है ना। हाँ गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और फिलहाल मैं अभी सुबह सुबह बमदिला का मेन मार्केट पे है और मैं अपना होटल से सुबह चेकआउट भी कर लिया है और अभी अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो मैं आज चलता हूँ दिरंग की ओर। यह है बमदिला का फुटबॉल खेलने के लिए जगह और इस तरफ आप देखिएगा तो सीधा हाई सेकेंडरी है। तो कल इसी रास्ता पर मैं आया था, तो यही ले कर अभी सीधा ऊपर तरफ की ओर ये तवांग चला जाएगा। तो इस ब्लॉग को आप देखने के लिए, फुल वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहे इस ब्लॉग पे। दिरंग 47 किलोमीटर, सिल्ला पास 110 किलोमीटर, जंग 136 किलोमीटर एंड तवांग इज 183 किलोमीटर। तो मैं अपना जर्नी कंटिन्यू करते हुए यहीं से दिरंग की ओर बढ़ जाता हूँ। देखो यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा है। इसमें ऐसे लिखा गया है कि ऑल लव इंडिया, वी लव अरुणाचल, आई लव बमदिला। और ये ऊपर में है, आप देख सकते हैं बैक साइड में ये बमदिला मेन टाउन। और उसका बाद अगर आप अंदर से घुस के देखेगा तो सुंदर सा एकदम पूरा व्यू दिखाई देगा। वो जो नीचे पोर्शन आप जो दिखाई दे रहा है, नीचे पोर्शन वहीं पे रूपा, और वो जो दिखाई दे रहा है उस साइड में है कल का जो मॉनेस्ट्री था। यही है मंडला जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। जब आप ऊपर देखिएगा वहीं पे लॉर्ड बुद्धा का अभी स्टैचू कंस्ट्रक्शन में है। तो आपको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सामने और ले चलूँगा। और ये जो छोटा छोटा घर दिखाई दे रहा है, घर ये ना कुछ है, ये जो 108 है मतलब 108 इस तरह का है। तो आप देखें, अभी मैं फ़िलहाल इस तरफ से आया था, इस तरफ से आके आपको इसमें वीडियो बनाया है। ये जो एंट्री पॉइंट है आपका फ्रंट साइड है, यही है। और ऐसे आपको तो सिर्फ राउंड ही मारना है। लॉर्ड बुद्धा का जो स्टैचू है सेंटर पॉइंट में है, तो उसी से सेंटर पॉइंट से लेके आपको जो ये वॉकिंग करने के लिए बनाया है, ये जो एक दिखाई दे रहा है, हर कोई अलग अलग आपने जो ये चीज़ को स्पॉन्सर किया। और जो स्पॉन्सर किया वाला इसमें पूरा आपको डिटेल में दिया हुआ है, लिखा हुआ है, आप देखिए। जो भी कौन सा इवेंट कुछ हॉल या फंक्शन कुछ हॉल होता होगा इसमें शायद ऑर्गेनाइज करता है। और आप चित्र आप देख सकते हैं, जिसको भी फोटो वोटो लेना है या सेल्फी लेना है तो ये इसमें ले सकता है। तो फिलहाल अभी तो बहुत सारा लोग टूरिस्ट लोग है इसमें, मेरे पीछे में देखिए, ये इसमें आप देख सकते हैं 108 माने एट मंडला टॉप, मतलब वो जो चौथा चौथा करके ये जो बनाया है वो 108 होगा, तो उसका नाम जो शायद माने होता होगा। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप जब दिरंग पहुँचेगा और तवांग की ओर जाएगा, आप सीधा लेफ्ट तरफ घुस के, तो इसमें आपका 28 किलोमीटर होगा ये मंडला टॉप तक। तो इसमें आप डायरेक्ट आ सकता है, आधा घंटा या 45 मिनट कुछ ऐसे लगेगा समय। तो इसमें आप आराम से घूम फिर के आ जाए।
फिलहाल ये है संगती वैली और ये जो दिरंग कांदर में आता है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है वैली को। और आपको मैं दिखाता हूँ, यह है बहुत ही फेमस घर, हर ब्लॉगिंग में हमेशा फेमस होता है और कुछ कुछ मूवी एल्बम में भी देखा है ये घर को, आप देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये घर कैसे होता है अंदर में, मैं दिखाना चाहता हूँ आप सभी को। ये घर एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि आप ये नीचे में देखिए, पूरा बकरी का ये टॉयलेट है, दट्टी है, तो अंदर में जितना भी है बहुत बदबू आ रहा है। तो ऐसे लग ऐसे होगा ये घर जो स्पेशली केटल रियरिंग के लिए बनाया है। ये आप देखिए, वो अंदर तक देखिए, पूरा बकरी का टॉयलेट है। वो जो देख रहा है नीचे में, हर फेसबुक में या मूवीज में बहुत सारा आता है, आप भी देखा होगा एल्बम में। क्या घर में है वो जो बेरा बेरा जो है उसमें रहता है बकरी जो ना? हाँ बकरी, बेरा 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 मतलब बकरी तो होता है, बकरी अलग है बेरा अलग है। अच्छा, बकरी तो हर जगह में होता है ना, बेरा तो बहुत कम होता है। बेरा मतलब देखते हैं बकरी लोग कैसे है। हाँ सेम है, सेम है। तो ये जो देख रहे हैं अभी फिर ये लगे, हाँ ये भी तो बेरा का घर ही है, बेरा का घर। हाँ इस साल बना है अभी, कोविड नहीं हुआ है। तो उसको क्या करता है, दूध पीता है बेरा को? नहीं नहीं नहीं, दूध दूध कुछ नहीं है उसका, सिर्फ बच्चा देता है उसको पाल के रखता है। हाँ उसका जूल जो काट के बिक्री होता है। अच्छा, जो सिप बोलता है उसको जो? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो फिलहाल एक भी दिखाई नहीं दे रहा है, उतर जंगल में छोड़ के रखा, जंगल में छोड़ के रखा है ना, चार साढ़े तीन चार बजे तक आ जाएगा। अच्छा, तो आप यहाँ का एक्स्ट्रा पे खेला? हाँ नहीं नहीं है, और वो लोग है देखने वाला है। तो करीब करीब यहाँ में कितना होगा ये बकरी ये बेरा? 200 कुछ है। अच्छा है ना, जो उल के लिए और रेयरिंग करता है ना। हाँ ओके, थैंक यू देन ना आपको। फिलहाल मैं अभी पहुंचा हूँ हेरिटेज विलेज, और ये बस्ती का नाम है टिम्बांग बस्ती, जो कि दिरंग के अंदर में पड़ता है। और ये जो मैंने अभी होम स्टे लिया है करजब होम स्टे, बहुत ही मस्त है, सुंदर है। और आप देख सकते हैं यही से डायरेक्ट घुसता है, घुस के आपका ये पे कॉमन रूम है, और आप यहाँ से देखिएगा तो फिर डाइनिंग रूम है। देखिए यही पे कॉमन रूम है और यही पे मेरा रूम। आप सभी को मैं रूम अपना रूम तोड़ करके दिखाऊंगा। देखिए बहुत सामान पूरा बिखरा हुआ है मेरा सामान, और मैंने अपना बिस्तर जहाँ पे मैं जाता हूँ अपना खुद का एक ब्लैंकेट ले जाता है और बेडशीट भी ले जाता है। तो उसी पे ये लुका जो होम स्टे का था उसको मैं तो यूज़ नहीं कर रहा है। और आप देख सकते हैं यही रूम, और मेरा बैक साइड में है टीवी है। देखिए तो फिर यहाँ से चलते, देखिए यह है ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, और यही से आप जाके बाथरूम वॉशरूम या बाथरूम। देखिए बस यही था अपना आज का ये होम स्टे का ये अपना रूम का तौर, और ये रूम का प्राइस है आपका 2800 फॉर नाइट। और ये जो डिनर करना है एक्स्ट्रा आप ऑर्डर कर सकता है, मैंने कर लिया ऑलरेडी। देख सकते हैं अभी ये आरा बोले तो यह का लोकल वाइन, मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया लेकिन अभी करके देखते हैं। बहुत स्ट्रांग है। आपका क्या नाम है? लुमु। क्या लुमु है? दर्जी लुमु। दर्जी लुमु। अभी फिलहाल क्या पका रहा है आप? अभी चिकन बना रहे हैं। चिकन बना रहा है, देखिए बहुत टेस्टी लग रहा है। और एक जो दाल है, दाल है ना, वाह आपका हाथ से जरूर मैं खाना चाहूँगा बाद में ना। सो फाइनली बहुत रुकने के बाद ये डिनर रेडी हो गया। तो ये है चावल, और ये है चिकन करी, ये है चिकन फ्राई, और ये दाल, और ये सब्जी चावल। आज का डिनर भी कर लिया है और अभी ऐसे बहुत थक गया, अभी सो जाएगा। गुड मॉर्निंग, कल रात में दिरंग से ये टिम्बांग तक पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया था, और इसी के कारण मैं कल ये टिम्बांग को अच्छे से दिखा नहीं पाया है। तो आज मैं
चाहूँगा कि दिखाऊँगा तो अभी अभी मैं होता है तो देखे आप प्रेशर भी नहीं किया है, ब्रश भी नहीं किया है। तो सबसे पहले कि ये आने का मकसद जो मेरा था कि ये माना जाता है ये तिम्बंग जो एक हेरिटेज विलेज है, तो आप जो मैं होम स्टे लिया था उसी होम स्टे का जस्ट बैक साइड में वो जो एक हेरिटेज जो विलेज का जो मेन था पार्किंग पैलेस होता है, तो ये पैलेस जो जस्ट खिड़की का खुलने का साथ साथ ही मेरा रूम से नीचे तरफ से अभी दिखाई देगा। देखो जब आप सुबह सुबह देखिएगा, देखो पुल कितना सुंदर है, यहीं पे गार्डनिंग किया हुआ है। देखो आप पुल देख सकते हैं और उसी के ऊपर में वो जो देख रहे हैं ना वो जो है ये बस्ती का एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग की वजह से ये विलेज को एक हेरिटेज विलेज माना जाता है। तो फाइनली मैं रेडी कर चुका हूँ, अभी निकलने वाला, अभी ऑलमोस्ट 6 बज गया, तो हमें जल्दी निकलना चाहिए तवांग की ओर। देखिए ये इसमें होम स्टे के सामने ही ये पे आप एक स्कूल है, गवर्नमेंट रेसिडेंटल स्कूल तिम्बंग। तो देखिए फाइनली ये होम स्टे का मेरा ये चार्ज एक रात के लिए होल किया था, फिर खाना वाना भी यहीं पे खाया था, बिल आया है मेरा 4020 रुपीस। तो मैं यहीं पे आपका ये करजब होम स्टे दिखाना चाहूँगा, जिसको भी आना है यहाँ आ सकता है और यहाँ का मैं रिकमेंडेशन करेगा आप सभी को। जितना भी ब्लॉग देख रहा है, जब भी आप दिरंग आएगा आप एक बार ये होम स्टे में विजिट करना, ये बस्ती का नाम है तिम्बंग, यहाँ में विजिट करके आपको कुछ अलग ही नज़ारा मिलेगा और आपका पैसा वसूल होगा। तो यही है बहन जो कल हम लोग को डिनर बनाया था और आज सुबह सुबह चाय भी पिलाया है, तो बहन आपको थैंक यू, मोस्ट वेलकम, और मैं चाहूँगा कि और फिर आऊँगा। तो आप होगा जरूर जरूर, ओके थैंक यू आपको और गुड बाय। तो मैं आप सभी को फिर से मैं बताना चाहता हूँ, मैं जिसके लिए ये बस्ती पे आया था तो उसी के लिए आया था जो पीछे में है, और वो बिल्डिंग जो पुराना ज़माना का जो एक हिस्टोरिकल ये बिल्डिंग है, और आप सभी को मैं चाहता हूँ कि अभी तोड़ करके मैं दिखाऊँगा ये बिल्डिंग को। देखिए यह है एंट्री गेट, तो अभी इसी में मैं एंट्री कर लेता हूँ, शायद ऊपर में कोई होगा, दिखाई दे रहा है। वाह कितना पुराना घर है, देखिए आप देखिए पूरा मक्का है, मक्का मक्का ही मक्का है। तो उसी पे भी घर का डिजाइन आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया है, वाओ। देखिए गोरा है ना, कच्चा है ना, गड्ढो है, हमें तो कुछ पता नहीं है। और इस तरफ देखिएगा तो देखिए आप घर पूरा बना हुआ है लेकिन टूट गया, शायद मेंटेनेंस नहीं किया है। वाह उसको देखिए कितना हेल्दी है, ये देखिए घर। हेलो आप कोई है, पिताजी है आपका, पापा कहाँ गया? तो देखिए यहीं पे एक दुकान है बस्ती के अंदर में, वाह सुंदर। तो ये जो जा रहा है ये लास्ट पोर्शन है, और उसी तरफ में जो मैंने अभी वहाँ से उतरा था और जो एंट्री गेट था, और उसी पे एक एग्जिस्ट ये पीछे का गेट है, उसको भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है बैक डोर एंट्री, और यही से कल जो हमने ये होम स्टे पे ये रात पे यही होम स्टे पे ये अपना रात को गुजरा था, और स्कूल वहीं पे है,
कुछ भी करके यहाँ का लोकल बंडा को कॉन्टेक्ट करने की ट्राई करूँगा, इन्फॉर्मेशन लेने की ट्राई करूँगा, मगर मिल ही ना रहा है। अब देखिए भाई कोई है क्या यहाँ में? अब भैया थोड़ा ये बस्ती के बारे में आप बता सकेगा क्या? हम लोग बूढ़ा बूढ़ी लोग, वो लोग बता देगा ना कहानी कैसे कैसे नहीं ना। हम लोग तो कहाँ मालूम है। हेलीकॉप्टर वाओ, सुंदर सुंदर। देखिए कल ये से गुजर के ऐसे आया था बोमडिला, वही ऊपर में बोमडिला है और सीधा वहाँ से जाके आपका दिरंग पड़ेगा उस पर। आप देख सकते हैं कितना पुराना है ये घर, लोग सुंदर देख रहे हैं। दीदी कोई बता नहीं सकेगा, आपका थोड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। कौन सा लड़की जा आ रहा है ना? ओके थैंक यू दे। मैं जीरो से आया। हाँ उसी बस्ती को जैसे घूमने के लिए आया ना, देखने के लिए आप लोग का बस्ती का। हम इस दिन में बैठा आज कल बेटा था, रात को कल पहुँचा था वहीं पे ना बेटा। दीदी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका नाम? दीदी आपका नाम? पासांग। क्या सफा कर रहे हैं आप जो? राजमा। अच्छा तो इसी पे भी आपका गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उसका मतलब क्या है दीदी? क्या है? अच्छा 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 आपको गुड मॉर्निंग। देखिए आप घर कितना सुंदर है। बहुत कोशिश करने के बाद ये एक बहन मिला है तो ये बस्ती के बारे में बताने के लिए। तो बहन सबसे पहले कि आपका नाम बताए? लामू। लामू ना। तो ये जो बस्ती में कैसे किस तरह का है और ये मानता है बहुत हीरे ले जाए, तो इसमें क्या कारण बोलता है इसमें? पहले मतलब हम लोग यहाँ में जो अभी मतलब ये जो घर जो अभी दिखाई दे रहा है वो पत्थर का है, मतलब उसमें इसमें मिलावट नहीं, मतलब ये 100 साल बीत गए। अच्छा अभी मतलब ये 100 ईयर्स हो चुका है। ये घर जो पुराना बहुत पुराना घर है, मतलब ये घर जो मतलब एक बार बना दिया मतलब वो नहीं है खराब होने का चांस नहीं। अभी जैसे की जुकाम हो गया हर चीज का डर नहीं है। अच्छा मतलब ये अभी ठंडा समय में हम लोग गर्म होते हैं, हीट मिलते हैं। अभी ये मिट्टी डाला हुआ तो मिट्टी क्यों डालते हैं, मतलब हीट मिलते हैं। हीट होने का अभी यहाँ में तो बहुत ठंडा है, ठंडा का समय में तो मतलब यहाँ में क्या है बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके कारण से यहाँ का राजा ने क्या है डिसाइड किया कि हम लोग ये घर बनाए, तो उसी कारण से ये हेरिटेज हुआ है। अभी यहाँ में अभी इसके अंदर में बचना भी बाउंड्री है, तो इसका अंदर में हम लोग को ये माना जाता है कि इसमें जो राजा लोग रहते हैं राजा लोग रहते हैं। तो ये कुछ बहन आपको ये राजा का कुछ ये नाम मालूम था क्या पहले? क्या नहीं राजा का बोले से हम लोग का जो मतलब चार दादा भाई है, तो चार दादा भाई के नीचे में मतलब क्या है हम लोग काम करने वाले, तो वही उसको ही राजा ही बोलता था। अभी जैसे कि हो गया शाचोपा हो गया ना दिलगीपा हो गया, वो बापू माना सबसे बड़ा जात माना जाता था। अच्छा तो ये बस्ती में ये कब से ये पॉपुलर गेन करना शुरू हुआ है? पहले तो इतना आदमी लोग तो मालूम नहीं था, फिर आजकल तो दुनिया में पूरा मालूम हो गया, धीरे धीरे अभी टूरिस्ट आ रहा है। जी अभी मतलब वही है, अभी लगभग 1-2 साल से मतलब हेरिटेज इस्टेब्लिश हो गया, मतलब गवर्नमेंट ने हेरिटेज मतलब कर दिया, तो उसका थ्रू से पहले भी आता था फॉरेनर वगैरह बहुत सारा ना, मतलब हीरो हीरोइन लोग बहुत आके शूटिंग करके गया हुआ है, तो पर अभी 2 साल से ज़्यादा आ रहा है क्योंकि क्यों बोले से हेरिटेज मतलब इस्टेब्लिश होने का कारण से ज़्यादा आ रहा है। सच में बहुत सुंदर है आप लोग का जगह ना। तो इससे और कुछ इन्फॉर्मेशन अलग होगा क्या आपका? यहाँ में मतलब वही इन्फॉर्मेशन अलग होने से भी यहाँ में पूरा हर चीज़ ऑर्गेनिक ही मिलता है। ऑर्गेनिक अभी आप लोग बाहर से आते हैं तो हम लोग को यहाँ में सिर्फ जो नहीं खरीदते बोले से भी सल्ट होगा, बाकी और तेल और ये चावल हो गया ना वो सिर्फ खरीदते हैं, बाकी जो पूरा यहाँ में ऑर्गेनिक होते हैं। अच्छा उसका वजह से ही मतलब ये फेमस है। और यहाँ में वाइन हो गया पूरा लोकल के ही होते हैं, जैसे कि मौके वगैरह से बनाया। ओके थैंक यू आपको। और जरूर आऊँगा फिर सीपे कभी दिन।
शायद ये बस्ती के बारे में जितना भी था बुरा लोग को सिर्फ नॉलेज है और हर कोई नॉलेज तो नहीं है, तो इसलिए मैंने एक अभी जो बहन मिला था यूथ से तो उसको पूरा फुल्ली ये नॉलेज के बारे में लेने के लिए मैं इनक्रेज किया है। और मैं इतना भी ट्राई करूँगा कि अभी एक घर मिले ना, ताकि इसमें घर के अंदर में आप लोग को दिखा सके किस तरह का होता है घर। जो देखो यहीं पे घर में उतरा है तो आदमी होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, अगर होगा तो मैं आप सभी को अंदर में घर का आदि घर को दिखा सकूँगा, होप करता है आदमी हो जाए। और दीदी कोई है? ओहो देखिए ये घर का अंदर, इसमें एक बुरा बुरी रह रहा है। इतना दयालु ये कितना तकलीफ उतर रहा है। ठीक है अम्मा, शायद हमें सुनाई नहीं देता होगा तो उसी को भी मालूम नहीं है, ये भी शायद सुनाई नहीं देता है, दोनों काफ़ी काफ़ी बुढ़ापा हो चुका है। बस यही है घर का नज़ारा, देखिए आप अंदर से। वाह आपका ये तो बहुत बड़ा है, तो ये गोरा बोलता है उसका, गोरा ना। कहाँ ले जाता है, खेती ले जाता है? जंगल में कल मकई बुकाएगा। और मकई बुकने के लिए आता है? नहीं कल तो बुकाएगा, आज भी नहीं। देखो बहुत ही सुंदर प्यारा है, काफी बहुत प्यारा है। तो होगा शायद ये बस्ती के बारे में अच्छा से आज देखा नहीं पाया है और इतना अच्छा से मैं आप लोग को बता भी नहीं सकता है, लेकिन आप लोग को इतना रिकमेंड तो करता है आप लोग एक बार लाइफ टाइम में आए ये बस्ती में, जितना भी मेरा व्यूअर है होप करता हूँ कि आप लोग आएगा आने वाला साल को। तो इसी पे अपना वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ, और समाप्त करने से पहले आप सभी से यही उम्मीद है कि मेरा तरफ से प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका भाई को दीजिए इजाज़त और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए आप फिट रहना और खुश रहना।